सो साथियों आओ तुहानू SCBC ST वेलफेयर सोसाइटी दे जनरल सकत्तर कश्मीर सिंह जी उन्हां नाल गलबात आपां करदे आ। कश्मीर सिंह जी अक्सर ही लोग काफ़ी लोग ऐ कहिंदे आ वी इह जिहड़े डॉक्टर BR अंबेदकर जी आ इह सिर्फ SCBC ST इन्हां दे नेता ने, इहदे बारे तुसीं की कहना चाहोगे? देखो जी, बाबा साहब SCBC इन्हां दा पिछले वर्ग दे नेता नहीं सन। जिवें जिवें हुणे उहने किसानी संघर्ष दे विच जिहड़ा किसानां दा संघर्ष जिहड़ा जित्तिया उह इन्हां दे लिखे कानून बारे ही उन्होंने चल के फिर वो जित प्राप्त की किसान ने। वो SCBC जी सारे ही हिंदुस्तान जिन्हें भी लोग पिछड़े वर्ग या जनरल जो कानून है वो सारा ही एक है। 26 जनवरी पास किया कानून किया वो ए नहीं मतलब लिखा कि नहीं मिल सकता वो लेख बाबा साहब सन हिंदुस्तान के पहले जो कानून मंत्री सन उन्होंने जो भी औरतों को घर मिले खेती विभाग लिए या नौकरियों में मोटा मिले वो बाबा साहब के दौर से मिले सारे वर्गों में जो कानून है वो सारे वर्ग लिए कल एसियां लिए। सो साथियों आओ तुहानू SCBC ST वेलफेयर सोसाइटी दोदा दे प्रधान टहल सिंह जी उन्हां नाल गलबात करदे आ। हाँ जी प्रधान जी, धन्यवाद इत्थे पहुंचण ते भाई असीं सब दा धन्यवाद करदे आ। सारी साडी कमेटी जिन्ने इत्थे पहुंचे आ सारिआं दा धन्यवाद। ते बाबा साहब ने वचन जो मतलब जो कहा बाबा साहब ने पढ़ो चलो संघर्ष करो संघर्ष ते जे वाला असीं संघर्ष करांगे तां बच्चे भी साडे पढ़नगे जे असीं संघर्ष नहीं करांगे तां बच्चे भी नहीं साडे पढ़दे। असीं तां दुबारा फिर यही गल कहांगे पढ़ो चलो संघर्ष करो ते बच्चों नूं भी पढ़ाओ आप ते सारिआं दा सारिआं दा धन्नवाद। सो साथियो SCBC ST वेलफेयर सोसाइटी दे सीनियर मीत प्रधान अमित कुमार जी इन्हां नाल गलबात करदे आ। अमित कुमार जी, जिस तरह तुहाडी SCBC ST OBC वेलफेयर सोसाइटी रजिस्टर्ड दोदा इन्हां वल्लों तुसीं समुचे भारत दे जिहड़े SCBC ST हैगे ने तुसीं उन्हां नूं की सुनेहा देना चाहुंदे हो? बाबा साहब दे 132 मैं सुनेहा देना चाहुंदा कि अपने बच्चों को वध तो वध जरूर पढ़ाओ। जिस तरह बाबा साहब ने कहा पढ़ो लिखो जुड़ो तो संघर्ष करो। सब तो पहला जो अपने बच्चों को पढ़ावे लिखावे तो सूझवान बनेंगे। सूझवान बनने तो बाद अपने हकों की राखी करेंगे। चाहे एक रोटी घट खाओ पर अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। जय हिंद जय भारत माता की जय। धन्यवाद। मैं ये एक गल होर ऐड करनी चाहना कि एक सरकार को मंग भी करते हैं कि जिस तरह साडे बच्चों स्कूलों के संदेश पढ़ाया जाता उस बाबा साहब की जीवनी का चैप्टर जरूर होना चाहिए ता कि बच्चों साडे इस भारतीय संविधान के निर्माता बारे जानकारी हो सके। इस भारत के संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। मैं तुहाडे तो एक सवाल होर करना चाहुंना जी, जिवें हुण इलैक्शन नेड़े आ गए किते ये कोई स्टंट तां नहीं गा वी भाई असीं इकट्ठे हो के वी किसी पार्टी दे नाल जुड़ना? इहदे बारे मैं तुहाडे तो गलबात करनी चाहूँगा तुहाडे नाल। इस दे संबंध में मैं आप जी नूं ये कहना चाहूँगा कि जिहड़ी साडी इह SCST OBC वेलफेयर सोसाइटी बनी आ इहदा किसी भी राजनीतिक पार्टी नाल कोई संबंध नहीं है। बिल्कुल निरपक्ष पार्टी आ और ये समुचे समाज दीआं मुश्किलां नूं मद्देनज़र रखते हुए बनाई गई है। जिस तरह किसी बच्चे नूं पढ़ाई दे विच कोई मुश्किल आउंदी है जां साडे समाज नाल किते भी कोई धक्का हुंदा उहदे विरुद्ध आवाज़ उठाउणी इह साडी जिहड़ी इस कमेटी दा मुख मकसद आ और साडे समाज दी वेलफेयर लई कम करेगी इस सोसाइटी। सो पूरे ही पिंड दा बड़ा सहयोग है इस कमेटी दे विच और जिन्ने भी साथी बड़े जुझारू आ और अपने काम नूं बड़े ही धड़क ते और जिम्मेवारी नाल निभाउंदे आ ये बड़े ही वधाई दे पात्र आ। पूरी जिहड़ी टीम आ साडी SCST OBC वेलफेयर सोसाइटी दी बड़े ही तरीके नाल काम करदी आ और सारे ही इहदे साथी बड़े सूझवान आ। इसलिए अज दे दिन ते मैं दुबारा तो फिर समाजिक मुद्दे चैनल जय भीम जय भारत जय
जय सरदार साडा एकता जिंदाबाद। अज की जो बाबा साहब अंबेडकर जी के जन्म दिहाड़े ने, मैं अज अपनी कमेटी एससी एसटी बीसी ओबीसी वेलफेयर सोसायटी मिस्टर दूधा वालों बेनती करता हाँ कि आप अज अपने घर दीपमाला करनी है। सो सारे साथी वीरों को बेनती है कि वो तो अपने घर संदेशा देना है। सो सारे ने मेरी इस बेनती को प्रवान करना है। जय भीम, जय भारत, जय सरदार साडा एकता जिंदाबाद।